उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव ने कांग्रेस में पड़ी फूट को लेकर कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ये शुभ नहीं, देश में एक सबल विपक्ष भी होना चाहिए, उसके लिए कांग्रेस में टूट फूट ना हो, मैं ऐसी कामना करता हूं। और यदि कांग्रेसी चाहें तो वह मेरे यहाँ पतंजलि ऑफिस में आकर रहें, उन्हें हम योग भी सिखाएंगे और उनके मन मुटाव दूर करके हम चाहेंगे कि पार्टी न टूटे। जब मीडिया ने बाबा रामदेव से डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों और यूपी में बेटियों की सुरक्षा पर सवाल किए तो बाबा रामदेव मीडिया के सवालों से भागते नजर आए। बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि अब हरिद्वार के बाहर भी देश भर में पहले चरण में 1000 वेलनेस सेंटर खोलेगी और आज पहला सेंटर मुरादाबाद में खोला गया। इन सेंटरों में योग चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा और प्राकृतिक चिकित्सा की लगभग 100 थेरेपियों के साथ असाध्य रोगों का इलाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब हरिद्वार के बाहर पतंजलि देश भर में 1000 सेंटरों को खोलने जा रहा है। बाबा रामदेव ने मीडिया के चुपते हुए सवालों से बचते हुए दिखाई दिए। और ऊपर मत आओ रे, छोड़ो, चलो चलो बाबा जी। बाबा जी किस लिए आए थे, क्या है, थोड़ा इधर देखिए। चलो बोलो क्या कर रहे हो। बाबा जी एक मिनट, ये देखो कांच भी टूट जाएगा। बाबा जी ने कहा बस हो गया, कोई नहीं, दो जने। चलो बोलो बाबा जी किस लिए आए थे आज यहाँ। चलो बाबा किस लिए आए थे आज पतंजलि वेलनेस सेंटर के 1000 से ज्यादा केंद्र देश भर में खोले जाएंगे, जिसमें योगा, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, चिकित्सा से लेकर के 100 से ज्यादा थेरेपियों का इस्तेमाल करके इनकेरेबल डिजीज, क्रोनिक डिजीज और जेनेटिक डिजीज माने कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का स्थायी समाधान, जिसको आज सस्टेनेबल हेल्थ के रूप में पूरी दुनिया जानती है, उनका एक केंद्र के रूप में एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। तो पतंजलि वेलनेस सेंटर के 1000 से ज़्यादा केंद्र पूरे देश भर में खुलेंगे, जहाँ पर 100 से ज़्यादा योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की अलग अलग थेरेपीज का इस्तेमाल करके हम जेनेटिक डिजीज़, इनकेरेबल डिजीज़, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और लाइफस्टाइल डिजीज का स्थायी समाधान हम लोगों को प्रोवाइड करा करके एक सस्टेनेबल हेल्थ उपलब्ध कराएंगे। बाबा जी कांग्रेस में फूट पड़ गई है, उनके क्या 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 मैं संदेश क्या देंगे? बड़ी पार्टी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ये शुभ नहीं है, देश में एक सबल विपक्ष भी होना चाहिए और उसके लिए कांग्रेस में टूट फूट ना हो, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। और यदि कांग्रेस ही चाहें तो मेरे यहाँ पतंजलि योगपीठ में आकर के रह सकते हैं, उनको योग भी सिखाएंगे और उनके मन मुटाव दूर करके हम चाहेंगे कि पार्टी टूटे नहीं। बाबा जी आज अब यूपी में हैं, यूपी में बेटियों की सुरक्षा नहीं हो रही है, हो गया। हाथरस में, हाथरस का बाबा जी, हाथरस का कांड बहुत बढ़िया।